अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हिकड़ो रिसाइकलिंग जो प्रोजेक्ट तां जे लाइ खड़ी आई आहियां। आज हम इस बेकार गते में से कुछ बनाएंगे, कोई काम की चीज़, कोई बहुत खूबसूरत सी चीज़ बेस हमें इस गते में से बनानी है। ठीक है, सभी का पहरूं तो जे असा ठहूं था एकड़ी बास्केट, हम एक बहुत खूबसूरत सी बास्केट बना रहे हैं। सबसे पहले तो जिस साइज़ की बास्केट चाहिए, कोई प्लेट कोई ढक्कन रख के आप उसको काट लें सर्किल में। फिर उसकी हाइट आपको कितनी चाहिए, ठीक है, पहरूं तो जो साइज़ खपे उन हिसाब से बेस हिकड़ी कटो, कोई ढक्कन रखी या प्लेट रखी, वो असा उनकी हाइट केतरी खपे, यानी ऊंचाई असि केतरी रखनी है बास्केट की, उन हिसाब से तक एतरो पाठो कटे वनो जो चौधारी पूरो अचे। ठीक है, हाइट के हिसाब से आप गता काट लें, कितना आपको लंबा चाहिए, कितनी लंबी बास्केट चाहिए, तो आप उसके हिसाब से काट लें। फिर ये कि मेरे पास ये कंटिन्यू एक पीस में नहीं है, तो मैंने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है और ठीक है, ही मोट एकड़ो कंटिन्यू पीस को नहीं, वो भी मां इन में जो है थोड़ा गंढ विधो है, इसमें मैंने जोड़ डाल दिया है, तो इसका कोई मसला नहीं, इस तरह हो सकता है क्योंकि हम इस सारे गत्ते को कवर कर देंगे, यानी पाठे के असा कवर कंदासीं, इन लाइ जे कॾहिं इन में गंढ भी हुजे तो को मसलो ना है। पो असांखे इन खे कवर करण जे लाइ खपे बोरी जो पीस, हमें लाजमी बोरी चाहिए, लेकिन इन केस अगर आपके पास बोरी का पीस नहीं है तो आप कोई बोरी से मैचिंग कलर में कपड़ा ले लें कोई मोटा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको ग्लू लगाकर इसके ऊपर ये बोरी चिपका देंगे, उसके बाद हम फिर काम जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोशिश करें कि साइड से ग्लू लगा लें प्रॉपर, बीच में थोड़ी बहुत लगा लें बस, ज़रूरी नहीं है, किनारे इसके अच्छी तरह से चिपक जाने चाहिए। ठीक है, सो ये बोरी असाने मथा चिमड़ाई था, ये देख लें, और इसको अच्छी तरह हाथों से दबाकर हम फिक्स करेंगे, और फिर जो एक्स्ट्रा होगी जो बढ़ी हुई होगी उसको हम काट लेंगे। ठीक है, हथन से इनके प्रेस करें असा चंगी तरह से चिमड़ाइंदासीं, अब जितरो वधियल हिसो हूँ उनके असा जो है पो कटे छींदासीं। फिलहाल इसको साइड पर रखते और तब तक जो है हम अपने इस पीस पे बोरी को चिपका लेते, ये जो बॉर्डर होगा जो इसकी बाउंड्री है बास्केट की उसके ऊपर भी हमें बोरी को चिपकाना है, तो हम इस पे अच्छा ये देखिए, ये जो सर्किल के लिए मैंने ली है बोरी उसको तो हम बिल्कुल साइड से काट लेंगे जितना हमारा पेपर का सर्किल है, लेकिन जो इसकी साइड के लिए ली है वो थोड़ी सी बढ़ा कर लेनी है। तो ऐसो साइड जे लाइ जेको असां बोरी जो पीस खयां वो वधियल आहे, अधु मुनो इंच घट में घटि वधियल हुजे, आधा पौना इंच इसको बढ़ा हुआ होना चाहिए, और इसके ब्राउन साइड की तरफ से हम जो है इसको चिपकाएंगे बोरी को, और ग्लू इसी तरह कि किनारों से ज़्यादा लगाएं, बीच में भी थोड़ी बहुत लगाएं ज़रूरी है, लेकिन किनारों पे ख़ास तौर पे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो इनके भी असा बोरी के पीस के इनते चिमड़ाइंदासीं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, किसी भी एक तरफ से हम इसको शुरू कर दें इस तरह कि एक तरफ से तो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए और दूसरी तरफ से जो बढ़ा हुआ है उसको थोड़ा बढ़ा हुआ ही रहने दें, एक किनारा इसका बिल्कुल फिक्स कर दें, ये ॾिसो हिकड़े किनारे ना ही बिल्कुल सही सही हुजे, इन सां गॾु गॾु हुजे किनारे सां, ऐं जेको ॿियो पासो आहे हिन जो उहो भली वधियल हुजे। इसमें गते में जोड़ है मेरे, तो ये जोड़ वाला पीस भी मैं इसके साथ जो है वो अटैच कर लेती हूँ, तो ये ॾिसो जेकॾहिं गंढ भी आहे न, त ही गंढ जेको आहे न ग्लू सां लॻी वेंदो, हिन बोरी सां या जेको भी तव्हां कपिड़ो हणणु चाहियो हुन सां ही कवर थी वेंदो, और इस जोड़ पे भी मैं ग्लू लगा लेती हूँ ताकि ये गता जो है वो भी आपस में चिपक जाए। ही ॾिसो हिन खे रखूं था हिन सां गॾु बिल्कुल मिलाए, बिल्कुल किनारे के साथ लगना चाहिए, और फिर इसको प्रेस करके हम छोड़ देंगे, इसको रखते हैं थोड़ी देर, तब तक मैं इसके ऊपर वजन रख लेती हूँ थोड़ा, और इसकी सर्किल की हम जो है कटिंग कर लेते हैं। ही ॾिसो सर्किल जो है बिल्कुल इक्वल मूं कटे छॾियो, ऐं हाणे असां हिन जी कटिंग कंदासीं, अभी ये थोड़ा सा गीला होगा, थोड़ा सा जो है एहतियात से हमने करना है, इसकी कटिंग क्या करनी है इसको हम इससे अलग नहीं करेंगे काट के, कटिंग में इस चीज़ की कह रही हूँ कि जो इसके बढ़े हुए किनारे हैं जिस तरफ से हमने इसको बराबर रखा है उस तरफ से जो थोड़े बहुत ये बढ़े हुए पीसेज हैं उसको काट लेना, कहीं कहीं से धागे निकले हुए हैं इसको हम काट लेंगे। ठीक है, उन असा करण यो
त ही पासो असां हिन में मोड़े छॾींदासीं। ये बाहर की साइड है, ये जो आप ग्लू देख रहे हैं बाहर की साइड है, ये अंदर की साइड है बास्केट की। लेकिन ग्लू जो ये बड़ा हुआ जो हिस्सा है ग्लू लगा के हम इसको बाहर की तरफ मोड़ लेंगे, अच्छी तरह से फिक्स कर लेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि ये गत्ता जब हम काट लेंगे तो इसको इस तरह से हमें पहले मोड़ लेना है ताकि अच्छी तरह से सर्किल शेप में आ सके, ठीक है। तो इनके पट्टी सीधी जने असा ये गत्ते जी कटिंदासीं न तो उनका असके इनके हिं इन शेप में मोड़नो है तो जी ये चंगी तरह से गोलाई में अची सके। गत्तो सीधो हों तेज कर मुश्किल इनके मोड़न। अच्छा अभी ये थोड़ा सा टाइम लेता है चिपकने में, तो इसको दबाते जाएंगे साथ साथ और अच्छी तरह से चिपका लेंगे। ये सजो मान के मथा चिमड़ाया हाँ एक दफो इनके अस रखी रोल कंदासे, एक दफ़ा रोल कर लेते इसको। बोरी का जो साइड है वो अंदर होना चाहिए क्योंकि वैसे भी बोरी जो है वो अंदर की तरफ हमें रखनी है। ये देखिए अब ये जो है इसको हम जब चिपकाएंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से बहुत कामयाबी से काम हो जाएगा। अब करना ये है कि इस पे किनारे पे हम ग्लू लगाएंगे और इसको हम चिपका देंगे जो इसका हमने साइड का हिस्सा बनाया है। ये देखो इन्हें काफ़ी हिस्से तो मैं ग्लू हणी थी वना, आधे पे तकरीबन मैं ग्लू लगा लेती हूँ क्योंकि ये ग्लू जल्दी नहीं सूखती। और अब इसको रख के हम इसको लपेटना करेंगे शुरू चिपकाना, ठीक है। ये इसका तरीका, अब ये देखिए यहाँ पे अभी एक कुछ बढ़ा हुआ है और इसको नहीं काटा मैंने, तो इस तरह से जो भी रफ धागे हों जो भी बड़े हुए निकले हुए हिस्से हों उसको आप ज़रूर काट लिया करें। अब इसको भी इसका प्रोसेस भी यही है कि रखते जाएं हाथ से इसको प्रेस करते जाएं दबाते जाएं फिर ये चिपकेगा, अगर छोड़ देंगे तो ये खुल भी सकता है, इसलिए छोड़ना नहीं है। तो ये कंप्लीट करने के बाद मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये तकरीबन के हद तक चमड़ी चुका, काफ़ी हद तक ये हो गया है चिपक गया है। ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने ये हिस्सा कितना जो है एक बढ़ा हुआ लिया है। तो अब हम इसका एक्स्ट्रा काट लेंगे लेकिन बोरी का थोड़ा सा ऐसा हम रहने देंगे। ये काटने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। ये ऐसो तो जी ही असा इन के मथा चिमड़ा सकूँ। अच्छा दूसरी बात ये कि ये ज़्यादा ओवरलेप नहीं करना, ठीक है। ये घणो एक बजे मथा ना ही चिमड़ाण छो तो बोरी भी थुली आ गत्तो भी थुलो आ जैसे असा इलाही सारो इन हिस्सों एक बजे मथा हणंदे तो ये जो है इतना इलाही थुलो थी वो, इसलिए इसको यहाँ से बहुत ज़्यादा मोटा या डबल नहीं होना चाहिए। बोरी जो कटी वह इन पास का चिमड़ा तो छूँ इनके वरी चंगी तरह से प्रेस करे फिक्स करनो। तो ये होंगी इन शिकिल, यहाँ से अभी ये गीला है अभी ये प्रॉपर जुड़ा नहीं है तो मैं इसको टाइम देती हूँ थोड़ा सा ताकि जुड़ जाए। सो ही काफ़ी हद तक असो जो बास्केट की बेस है या गंढ जी हुआ इनके बाहर मैं कवर कदम इन सुतली की चोटी से। ये देखिए ये सुतली की चोटी मैंने बनाई है और बहुत आसान है इसको बनाना, जैसे बालों की चोटी बनाई जाती है। ये इसके मैंने तीन जो हैं मेरे पास छोटे छोटे गोले थे सुतली के, अभी तक मैंने इसको काटा नहीं है, ये जुड़े हुए हैं ताकि अगर ये कम पड़ गई तो मैं थोड़ा सा और इसको बना लूँगी, ठीक है। सो ही ट्रे ढेरा हुआ सुतली था जेमा मां ये चोटी जो ढेरों ठाया हुआ और मैं पहले इनके यूज़ कदम इनके तो मैं कटो ना छो तो मत खुटी पे तो मुख्य वरी कमी इंदी तो मैं इनके बीहर इन में जो अठाए कंटिन्यू कर पूरी कर। हाँ मैं इनके शुरू कराया थी, इसको हम ग्लू लगा के लपेटना शुरू करेंगे ताकि ये बाहर का जो सारा हिस्सा है ये इसका कवर हो जाए। ये देखें कहीं से भी किसी भी जगह से इसको शुरू करेंगे, हाथ से थोड़ा थोड़ा चिपकाते जाना है ये हथ से चिमड़ाइंदा वेंदा से वो ही मुझे चाहूँ ती ग्लू जिस तीन आली होंगी ना तो प्रॉपरली न चिमड़ी तो इसको थोड़ा सा जैसे ही जिस जैसे खुश्क होने लगती हल्की सी तो ये चिपकना शुरू हो जाती है। तो इसको इस तरह से दबाते जाएं और लगाते जाएं, ठीक है। सो ये ग्लू माहिन के डोरी माहिन के चौधारी पूरे के कवर करे वेंदम। ये पूरा जो आप बेस इसका बाहर का देख रहे हैं ना इसको पूरे को इस चोटी के साथ कवर करना है। ये असा हणंदा वेंदासीं इन ते ग्लू लगंदी वेंदी ए चोटी इन ते
असां जेके चिमड़ाईंदा वेंदासीं, चिपका चिपकाते जाएं और दबाते जाएं हाथ से। हाथ से दबाना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर ये जो है खुल भी जाती है बार बार, जब तक सूखेगी नहीं चिपकेगी नहीं। ॾिसो हीअ सॼी डोरी मां कवर करे छॾी आहे ऐं थोरी बची बि पई आहे। एक चीज़ देखें कि एक तो मैंने इसको जोड़ के पास ख़त्म किया है, जो जोड़ था इसके सर्कल में। दूसरा ये कि इसको सीधा नहीं काटा, डोरी को सीधा नहीं काटना। मैंने कि ईअं आॾो कटियो आहे, ये देखें यूँ तिरछा काटा है मैंने इसको। और अभी इसको मैं ग्लू लगा के छोड़ देती हूँ, ताकि अगर मुझे दोबारा कभी इसकी सुतली की चोटी बनानी पड़ेगी तो मैं इसी को कंटिन्यू करूँगी। और ये मेरे इसके जो है छोटे छोटे गोले इसमें लगे हुए अभी तक, इसको रखते हैं साइड पे। तो ये जोड़ के पास जो है आके इसको भी ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि मैंने शुरू भी यहाँ से किया था और इसी तरह से ख़त्म भी यहीं पे करेंगे। अब ये बास्केट की बेस हमारी बिल्कुल कम्प्लीट है और हम बनाएंगे इसके हैंडल। ठीक है, ये असांजी बास्केट ऑलमोस्ट कम्प्लीट आहे। हाणे असां हिनजा हैंडल ठाहींदासीं। हैंडल ही ॾिसो, एक में कंप्लीट कर चुकी हूँ, दूसरा अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया आपको दिखाने के लिए। ये इसी तरह के गत्ते में से मैंने दो सर्किल काटे। कोई भी जितना बड़ा आपका बास्केट का साइज़ है, उस हिसाब से आप सोचेंगे कि आपको हैंडल कितने बड़े डालने। ठीक है, बास्केट जो साइज़ खणी उन हिसाब से तुम हैंडल कटो, विच में वरी बो सर्किल ट्रेस करे वो कटे वही। अच्छा, जो बीच का जो सर्किल है इसको निकालेंगे कैसे, तो मैंने इसको यहाँ से कट लगा दिया। ठीक है, इनके मुँह हितां कटल छॾियो। हिन में छा आहे जो असांखे हीअ सुतली हणण में आसान थी थिए, इसमें से बार बार हमें गोला जो है अंदर में से नहीं निकालना पड़ेगा, इसलिए साइड का कट जो है हर लिहाज से फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसमें से ये सर्कल्स भी आराम से निकल जाएंगे और जो हम इस पर सुतली लपेट रहे हैं वो भी आराम से इस पर लिपट जाएगी। अब ये देख लें, ज़्यादा मैंने कर लिया, थोड़ा सा मैंने इसलिए छोड़ दिया कि मैं आपको करके दिखा दूँ कि कितनी आसानी से ये काम हो जाता है। अच्छा, इसको लपेटेंगे ऐसे कि यहाँ से बहुत क्लोज, बाहर से थोड़ा खुला खुला, क्योंकि अंदर का सर्किल छोटा है बाहर का बड़ा है। ठीक है, अंदरों हिन जो जो सर्किल है वो नंढो आ, बाहर सर्किल वडो आ, तो इनके ये हणंदासीं जो बाहर पास ना थोड़ो छिड़ो छिड़ो, अंदर ना जो बिल्कुल घाटो ए क्लोज। ये देखें, और गत्ता जो है अगर ये ब्राउन हो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि उस पर थोड़ा बहुत गैप भी रह जाए तो पता नहीं चलेगा। जैसे ये गत्ता अंदर से ब्लू था तो शायद कहीं कहीं से ब्लू नज़र आ जाए, लेकिन अगर ये जो है बिल्कुल ही ब्राउन होगा तो ये बड़ा मसला इसका हल हो जाएगा, कि अगर कहीं से वो रह भी गया थोड़ा सा नज़र भी आ रहा है तो वो पता नहीं चलेगा। तो आप ये देखें इस तरह से, अगर ये पूरा राउंड होता तो ये गोला हमें बार बार इसमें से निकालना पड़ता। तो अब ये जैसे कि गत्ते का है ये हैंडल जो हम बना रहे हैं, तो आसानी है कि हमने इसको बीच में से कट लगा लिया। अब थोड़ा सा इसको बढ़ा के काट रहे हैं और इसके सिरे पे हम लगाएंगे ग्लू। ग्लू लग गई, दूसरे सिरे पे ग्लू लगाई है, इस वाले पे नहीं लगाई, और इसको हम पीछे की तरफ ग्लू लगाएंगे जो हमने थोड़ा सा बढ़ा हुआ काटा है। अब ये देखिए, इन दोनों को मिला लें और ये इसके ऊपर चिपका दें, तो ये जोड़ भी इसमें छुप जाएगा। और फिर यही कि इसको थोड़ा सा होल्ड करके रखना है ताकि अच्छी तरह से जो है इसमें जुड़ जाए। ठीक है, हाँ, ही गंढिजी वजे थोड़ो वेट कंदासी असां। सो ही थी गया, ये दोनों बन गए हैं। अब ये देखिएगा कि जो इसके जहाँ पे सुतली का जोड़ था या जो पेपर का जोड़ था, ठीक है, ये हम लगाएंगे इस तरह, तो जो जोड़ वाला हिस्सा है वो नीचे आ जाना चाहिए ताकि ग्लू में वो छुप जाए और चिपक भी जाए। ठीक है, हिन खे असां हणंदासीं ईअं जो असांजो सर्किल अधु जेको आहे बास्केट जे मथां नज़र अचे हैंडल, ऐं अधु जेको आहे बास्केट जे पूरे विच ते लॻियल हुजे। आधा जो है वो यहाँ पे आना चाहिए, आधा जो ऊपर हैंडल की शकल में नज़र आना चाहिए। तो नीचे वाले हिस्से पे हम इसको लॻा रहे ग्लू। ठीक आहे, हिन खे बि चिमड़ाइण लाइ ज़ाहिर टाइम ॾियणो पवंदो असांखे। इसका आधा जो सर्किल है उसको हम लॻा रहे ग्लू, ताकि इसको हम अच्छी तरह से चिपका सकें। और एक काम और,
कि ये जो जोड़ था इसके ऊपर भी ये आ जाना चाहिए ताकि ये जोड़ जो है वो इसमें छुप जाए। इसको टाइम देना पड़ेगा, मैं फिर कह रही हूँ कि वरना ये एकदम से नहीं चिपकता। हो सके तो इसमें कपड़ों में लगाने वाली जो चुटकियाँ होती हैं वो डाल दें ताकि ये अच्छी तरह से जुड़ जाए। ग्लू अना आली आ तो प्रॉपर चिमड़ा ना हिन, अभी ये हैंडल जो है इसके चिपकते रहेंगे। जब ये कंप्लीट ड्राई हो जाए, चिपक जाए, तो आप हैंडल्स को थोड़ा सा बाहर की तरफ इस तरह से निकाल लें, हल्का सा, ठीक है। ही फिलहाल आलो आ तो ही एडो जल्दी को ना थींदो मूव, थोड़ो हिन के पो बाहर की तरफ कढ़ंदासीं, सुकण ॾींदासीं पहिरियों हिन खे, त जीअं थोरो हिन जो शेप ईअं खुलियल लॻे। ऐं उन खां अलावा जेसि ताईं असांजा हैंडल सुकंदा, हीअ जेका हिन जी बेस जो जोड़ आहे, इसकी बेस में जो ये जोड़ आ रहा है न सर्किल और दीवार के साथ, उसके अंदर हम एक सुतली को चिपका देते हैं, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। हे दिसो, ये आप देख सकते हैं अंदर से एक सिंगल मैंने जो है सुतली, सिंगल डोरी मैंने इसमें चिपका दी है, ठीक है। ही चौधारी छो तो इनमें जो गंढ हो उन में अगर के भी इन रुआ या बुज नज़र पे अचन गुणी जा या सुतली जा, तो उड़ी सिंगल सुतली से ढक जी है। हाँ ये मुझे तरफा ही खूबसूरत बास्केट तैयार है, दिसो रदी शे हुई। हाँ चाहो तो इन के पोया भी तुम बोरी जो पीस हणी सको था या गत्तो अड़ो सिंपल गत्ते जो पीस कटे वो हणी छो तो सेम कलर थी वो पर जिन हणो तदें भी ठीक है। मां तो इन एज इट इज छा थी के थोड़ो डेकोरेट करण जो मां कुछ सोचा थी। ही सेम सुतली में मां बो ठाया हुआ, उसी सुतली में से मैंने सुतली को डबल करके एक बो बना लिया है। इसको पहले तो मैं इस पर चिपका रही हूँ, आप अपने हिसाब से इस चीज़ को डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक है। मां न चाहिंदमि हिन में घणा रंग गुल फुल हुजनि, ये हल्की सिंपल डेकोरेशन जेका उहा हिन ते सूट कंदी। ऐं ही ब्राउन में मूं वटि ठहियलु आहे गुल, सो मां सोचा थी त इहो ई हिन जे मथां मां हणी छॾियां, हिकिड़ो गुल काफ़ी आहे। सो डेकोरेशन कंहिं बि शइ जी तव्हां पंहिंजे हिसाब सां, पंहिंजी सहूलियत सां, जहिड़ी तरह जो तव्हां वटि मटीरियल अवेलेबल हुजे उन हिसाब सां तव्हां करे था सघो। वही गाल है तो ही चिमड़न में थोड़ा टाइम वो, ये बहुत थोड़ा सा टाइम इसको लगेगा चिपकने में। तो सूतली का बो बना के एक ब्राउन कपड़े में से, ब्राउन प्रिंट में से बना हुआ फूल है वो मैंने लगा दिया। आप चाहें तो अपना कॉम्बिनेशन खुद क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है तो ये तुम्हें वणी होंगी मुझी बास्केट। हमेशा चवंदी आ प्यार से कम करो, पाँच टाइम जो सही इस्तेमाल करो, पाँगी बोली से प्यार करो। अल्लाह तुम खुश रखे, इंशाल्लाह वरी कें कम की वीडियो से मिलंदे। तेस तई अल्लाह भाई।